हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, वीडियो में बात होने वाली है हमारी चाची 420 के बारे में। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि वो कल रात को लाइव आई थी। रात को मैं तो लाइव नहीं देख पाई, लेकिन मैंने मॉर्निंग में देखी लाइव। और चाची जी ना बहुत सारी बातें ऐसी कर गई जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमारी आंटी जी को यही कहूँगी कि भाई, जिन लोगों ने गूगल पे लिए हैं, अयूब के फ़ोन में आपने जिन लोगों के गूगल पे के स्क्रीनशॉट या फिर वो हिस्ट्री देखी है, अगर आपको उनको बोलना है तो आप कृपया नाम लेकर बोलें। क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे ना कि यूट्यूबर, तो फिर उसमें तो सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें किसी को बोलना है तो तुम बाकायदा नाम लेकर बोलो, क्योंकि वैसे भी तुम बोल ही रही हो ना कि तुम डरती नहीं हो किसी से, मैं तो सबका नाम लेकर बोलूँगी। तो फिर अगर नाम लेकर ही बोलना है तो बोलो, और अगर प्रूफ है तो वो भी दिखा दो भाई पब्लिक को, ठीक है। सबका नाम मत लो, सबको काउंट मत करो उन सब चीजों में, क्योंकि ये जिसका किया धरा है कांड, उसी को स्पेशल बोला जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सबको इसमें जोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी आंटी जी को एक कमेंट पढ़कर बहुत गुस्सा आ गया, जिसमें ये लिखा था। अब भाई वो लिखने वाला कौन था, चलो ये तो हम लोग नहीं जानते कि उसकी चाची 420 के साथ क्या दुश्मनी है या फिर क्या जान पहचान है, हम लोग, मैं नहीं जानती, ठीक है। तो हाँ, वो उसने लिखा था लेडी ने कि भाई नाखूनों के साथ वजू नहीं होता। तो जहां तक मैं जानती हूँ कि ये जो कमेंट है ये तो बिल्कुल राइट है। हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा कि ठीक है, नेल्स के साथ, आर्टिफिशियल नेल्स जितने भी होते हैं उनके साथ वजू नहीं होता है। तो उसने क्या गलत बोल दिया इसमें, इतना भड़कने वाली क्या बात थी? और ये तो है नहीं कि आपको ये फर्स्ट टाइम कमेंट आ रहे हैं। आपकी तो, आप तो जब से आपकी जर्नी शुरू हुई है, फिर चाहे वो टिकटॉक को लेकर हो, चाहे वो यूट्यूब को लेकर हो, या फिर वो इंस्टाग्राम को लेकर हो, आपको 100 में से आपके 90% जो हैं कमेंट्स वो नेगेटिव ही होते हैं, जिसमें कि आपको गालियां दी जाती हैं, जिसमें कि आपको इस्लाम के बारे में सिखाया जाता है कि भाई नाखूनों से वजू नहीं होता है, आप नमाज कैसे पढ़ते हो, या फिर आप और भी जो भी आप चीज़ें हरकतें करती रहती हो, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी आपको कमेंट्स किए जाते हैं। तो आज तक उनसे तो आपने कोई अच्छाई सीखी नहीं, लेकिन अगर एक किसी लेडी ने एक कमेंट कर दिया था कि भाई नाखून के साथ वजू नहीं होता, जो कि राइट है, राइट कमेंट किया था, कुछ उसने गलत नहीं बोला था, कुछ उसने आपको गालियाँ नहीं निकाली थी, एक नॉर्मल सा कमेंट्स था कि नेल्स के साथ वजू कैसे होता है, तो हमारी आंटी जी इतना भड़क गई। इस कमेंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आपको आते हैं जिनके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, लेकिन आपने कभी बात नहीं की। हाल ही में नाजो इंडियन ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाकर स्पेशली आपको टैग करके ये बोला था कि भाई कोई एक बंदा है जो उल्टे सीधे मैसेज करता है, कमेंट्स करता है आपके नबियों के बारे में, आपके शहजादियों के बारे में। तो तब तो आपके मुंह से जबान नहीं निकली, और अभी तक आपने उस बारे में कोई बात भी नहीं की। तो जहां पर आपकी जुबान खुलनी चाहिए वहां पर तो खुलती नहीं है, और जहां पर नॉर्मल बातें हो वहां पर आप इतना भड़क जाती हैं। और रही बात मेरी, जो आपने बीच में टॉन्ट मारा कि एक तो कुटनी अम्मा बोल रही है कि भाई अपने माँ के गाँव को अपना बता रही है, तो मेरे गाँव को आप अपना नहीं बता सकती, आप अपने माँ के गाँव को भी अपना नहीं बता सकती हैं। हाँ, आप ये जरूर बोल सकती हैं, ये मेरा ननिहाल है, ये मेरा नानका है, मेरी मम्मा का गांव है, ठीक है। आप अपने बाप के गांव को अपना बोल सकती हैं, जो कि हिंदूपुर में ही है। और अगर आपके बाप का गांव हिंदूपुर में ही था, तो फिर आप क्यों नहीं गई अपने बाप के गांव में, आप क्यों नहीं गई अपने ताया चाचा से मिलने, या फिर आगे को उनके बच्चे होंगे, अपने भाइयों से मिलने क्यों नहीं आप गई? आज तक कभी नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया अपने बाप के बारे में? तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल और लोचा तो है ना। और अगर नहीं है तो बैठ के बता दो सच्चाई कि क्या सच्चाई थी, क्यों नहीं तुम जाती हो अपनी फैमिली में,
हम लोगों को गलत प्रूफ कर दो। और एक और बात, तुम कह रही हो ना कि इतने टाइम से बोल रहे हैं, इतने टाइम से भूखते रहते हैं लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाए, तो जी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है कि हम लोग कुछ साबित नहीं कर पाए। हम लोग बहुत पहले पिछले एक डेढ़ साल से साबित ही करते आए हैं और साबित कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तक कि सत्तानी के साथ का जो तुमने निकाहनामा, जो फेक निकाहनामा बनाया था ना, उसको भी हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया था कि ये फेक निकाहनामा है, जहां पर कासिम सत्तानी के साइन ही नहीं थे। ठीक है, तो वहां पर भी आप झूठी प्रूफ हुई। और ऐसे ही ना जाने कितने हजारों प्रूफ हम आज तक दे चुके हैं जहां पर आप झूठी साबित हुई हैं, आपने पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। तो आप ये बात तो बोलिए ही ना कि भाई आज तो कुछ साबित नहीं कर पाए, साबित तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपका जो पैंतरा है ये तो नहीं चलने वाला। हाँ, आप कुछ गिनी चुनी पब्लिक को बेवकूफ बना सकती हैं, जो नई पब्लिक आई है, लेकिन जो आपकी और हमारी पुरानी पब्लिक है वो तो सारी सच्चाई जानती है, इतने टाइम से वो सारी सच्चाई देखते ही आ रही हैं। और रही बात आपके सो कॉल्ड हस्बैंड और आपके बीच की कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमें उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पति पत्नी होते हैं, हर किसी के बीच में झगड़ा होता है, ये आपके ही वर्ड होते हैं जब आप जाती हो उनके पास, इतना आप उनमें खो जाती हो, मेरी फैमिली, मेरी सूरत वाली फैमिली, मेरी सूरत वाली फैमिली, वीक में आप दो दो गेड़े जब सूरत के काटती हो और एकदम से फिर अचानक आप किसी चीज को छोड़ दोगी ना, तो पब्लिक तो सवाल करेगी ही। और रही बात पब्लिक में, मैं अकेली या फिर चंद जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो नहीं आते, आपकी खुद की पब्लिक जो आपको देखती है, जो आपके व्यूवर्स हैं, वही आपसे सवाल उठाते हैं और उन्हीं व्यूवर्स की आवाज हम लोग बनते हैं। ठीक है, तो अपनी गलतियों का जो टोकरा है ना, वो दूसरों के सर पर आप ना फोड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात की हाँ इतना बड़ा बेटा मेरे गोद में लेटा हुआ है, तो हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका बेटा आपकी गोद में लेटा है, लेकिन आप एक बात जानिए कि जब आपने अली को बुलाया कि आजा अली तू भी आजा, तुझे भी मैं बोसा देती हूँ, तो वो नहीं आया, है ना, नहीं आया ना, क्योंकि उसके अंदर अकल है, उसके अंदर समझदारी है, वो तुम जैसा छिछोरा नहीं है, तुम दोनों माँ बेटा जैसा छिछोरा नहीं है, वो नहीं आया। और रही बात बोसा देने की, तो माँ अपने बेटे को माथे पर बोसा दे सकती है, गाल पर भी चलो दे सकती है, लेकिन लिप टू लिप किस करना, कौन सा बोसा होता है, ये आप समझाइएगा जरूर अपनी नेक्स्ट लाइव में मोहतरमा जी। और रही बात आपको 420 बोलने वाली, तो इन सारी बातों का खुलासा भी हम बहुत पहले कर चुके हैं, कितने सारे लोगों को आपने ठगा था, किस किस से कितने पैसे आप हड़प के बैठ गई थी लोगों के, एक बैंक वाला था और पता नहीं क्या क्या था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पुरानी बातें ना ही छेड़े तो ही अच्छा है, नहीं तो वो सारे पुराने मुद्दे जो है ना वो दोबारा उठ कर आ जाएंगे और एक बार आप फिर से कॉन्ट्रोवर्सी में आ जाएंगे। और एक और बात मैं आपको समझा दूँ कि ये गलत फहमी आपकी है कि अयूब को सत्तानी के नाम से जाना जाता है, शायद आप भूल गई कि आज आप जिस मुकाम पर पहुंची है ना, वो उस अयूब की वजह से ही है शायद, क्योंकि यहाँ पे खैर मैं उसकी तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो तो आपसे भी ज्यादा गिरा घटिया इंसान है, लेकिन हाँ उसकी वजह से आप फेमस हुई हैं। वो कैसे हुई हैं, जब आपने उससे शादी करी, टिकटॉक का टाइम आया, आपने उसके साथ वीडियोस बनाना चालू किया। अगर आप अकेली वीडियोस बनाती तो शायद आपको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आप अपने पति के साथ और एक सर्टन एज में पहुंचकर जब आप रील्स बना रही थी, तो उस चीज को पति पत्नी के प्यार को लोगों ने पसंद किया था, ना कि सत्तानी को पसंद किया था। ठीक है ना, उसके बाद टिकटॉक के बाद आप उसमें आ गई, यूट्यूब में आ गई, फिर इंस्टाग्राम में चली गई, तो उन्हीं सब चीजों से जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। एंड अदरवाइज उससे पहले तो शायद ही कोई जानता था कि सत्तानी नाम की कोई बला भी है और ऐसा भी कुछ है ना। तो आपको तो शुक्र गुजार होना चाहिए रनटाक का कि भाई उसकी वजह से आप इतने पॉपुलर हुए, सोशल मीडिया आपको जानने लगा, है कि नहीं। तो लेकिन शायद आप नहीं होंगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि भाई अय्यूब को सत्तानी के नाम से जाना जाता है। भले ही उसको सत्तानी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन आप दोनों इकट्ठे थे
तभी आप इस मुकाम तक पहुंची, तभी आप टिकटॉक पर फेमस हुई, लेकिन आपसे ज़्यादा फॉलोवर किसी और के थे और फिर उससे आपने फ्रेंडशिप बनाई, दोस्ती बनाई, वो सारी बहुत सारी पुरानी बातें हैं, अगर उनको खोलने बैठ गए तो फिर क्या ही बोले, है ना, कितना टाइम लग जाएगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, और इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।